नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो भाई आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल इंडियन किसान पुत्र, और आज अपने भाई मेसी एजेंसी पर, जो मेसी ट्रैक्टर देख सकते हो आप मेरे पास खड़ा हुआ है यहाँ से, मेसी और जो स्मार्ट सीरीज के अंदर है 9500। तो ये काफी अलग लुक में है ट्रैक्टर, और 58 HP में है भाई ये ट्रैक्टर। तो आज अपन इसके बारे में जो भी जानकारी हो आगे से लेके पीछे तक बताएंगे आपको, और वीडियो में अंत तक बने रहना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर देना, और चैनल पर पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और इस ट्रैक्टर की जो प्राइस के बारे में बात करेंगे तो वीडियो के एंड तक बने रहना। तो चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं शुरू। ये अपना मेसी फर्ग्यूसन है 9500 स्मार्ट सीरीज में, काफी अच्छी लुकिंग से ये कंपनी ने नया वेरियंट निकाला स्मार्ट सीरीज में, काफी अच्छी लाइट है, ये लोगो भी अपना मेसी फर्ग्यूसन का, और फैक्ट्री फिटेड बम्पर इसमें 4 प्लेटें लगी हुई है 25-25 kg की, 100 किलो का वेट लगा हुआ है, 1 क्विंटल तक का वेट है, 1 क्विंटल का। तो इससे क्या है, ये आगे से उतर नहीं है ट्रैक्टर, लिफ्टिंग नहीं करता। तो ये सिंगल पीस हुड के साथ मिलेगा भाइयों ट्रैक्टर, डबल जेक लगे हुए हाइड्रोलिक, इससे ये बोनट ऊपर नीचे होता है, इसमें 70 लीटर का इसका डीजल टैंक है, इसमें डीजल टैंक यहाँ पर मिलता है भाई, जो आपको देख सकते हो इंजन के ऊपर जी। इसमें ड्राई एयर क्लीनर है जी, ये एयर कूलर नहीं है जी, और ये इंटर कूलर लगा हुआ है इसके आगे, ये रेडिएटर के आगे इंटर कूलर लगा हुआ है जी, जी। इससे ये फायदा है कि इसमें रेडिएटर भी ठंडा रहता है, और ऑयल जितना भी इंजन का ठंडा रहता है इसमें जी, जी, जी। और रेडिएटर के आगे इसमें एक जाली लगी हुई है, अच्छा यहाँ पर एक जाली भी दे रखी है, तो इसको ये एक बोल्ट खोलना पड़ता है बस जी, ये बोल्ट खोल के आप जाली को निकाल सकते हो बाहर। उसमें ये एमको की बैटरी दी हुई है, काफी अच्छी मतलब लुकिंग में आगे दे रखी है, तो यहाँ पर भी जो बैटरी को लेके सेफ्टी दे रखी है, तो बैटरी अंदर रहे बेल्ट इसके अंदर है, बताऊंगा आपको, तो उसमें सिंगल एक्टिंग पावर स्ट्रिंग मिलेगा। तो दोस्तों इसका जो फ्रंट एक्सल है वो आपको सीधा मिलेगा, नॉन एडजस्टेबल और हेवी एक्सल मिलने वाला है इसके अंदर, जो तीन सिलेंडर बहुत इनलाइन तीन सिलेंडर इंजन आता है इसमें, मिलता है सिम्पसन का 2700 cc का इंजन है इसके अंदर। और कितना एचपी में मिलने वाला है किसान भाई को ये ट्रैक्टर? ये 58 HP का ट्रैक्टर है। इसके बाद में बात करें अपन ये पावर स्ट्रिंग, तो ये अलग से एक लीटर का डिब्बा दिया हुआ है पावर स्ट्रिंग का, ऑयल टैंक अलग से दे रखा है, मतलब ये इंजन से लीकेज इंजन से नहीं है जी, अलग से दिया हुआ है, अलग से ये हीट गार्ड दिया हुआ है, हीट गार्ड इसका मतलब है मतलब इंजन से जो गर्म हवा आती है वो ड्राइवर के पैरों तक नहीं जाती, हीट गार्ड काफी फायदे हैं ये, काफी अच्छी लुकिंग भी है इसकी, ये ऊपर चढ़ने के लिए, और इसमें सस्पेंडेड पैडल डुअल क्लच मिलेगा आपको, अच्छा किसान भाइयों को ऑयल ब्रेक मिलेगा, डुअल क्लच मिलेगा, अच्छा। तो इसमें एक फीचर सो रहे ये सुपर शटल का, अच्छा। मतलब इसमें आपको 16 तरह की स्पीड मिलेगी, 4 हाई की 4 लो की, अच्छा। तो 4 तो 8 तो फॉरवर्ड हो गई और 8 ही रिवर्स हो गई, मतलब आप इसको आगे करोगे तो पीछे जाएगा ट्रैक्टर, आगे करोगे तो आगे जाएगा ट्रैक्टर, तो ये चार गियर तो इधर है और 2 इधर है हाई लो जी, और एक ये सुपर शटल है। इसका फायदा ये है कि जैसे आप लोडर में चलाते हो तो बार बार गियर चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती जी, काफी आसानी से मतलब आगे पीछे हो जाता है ट्रैक्टर, अच्छा। तो इससे भले तीसरा या चौथा जो भी गियर डलाओ तो इस वजह से आगे पीछे जैसे आगे करते हो तो उसी स्पीड में आगे आएगा ट्रैक्टर, उसी स्पीड में आगे जाएगा, अच्छा। तो इस गियर का ये फायदा है, आगे चल रहा है तो चौथे गियर में पीछे आएगा जी जी जी। और सर थोड़ा पीटी गियर के बारे में बताएं, ये पीटीओ गियर है इसका जी, ये पीटीओ गियर है, इसमें क्वाडा पीटीओ है, 4 तरह की पीटीओ मिलती है इसमें, क्वाडा पीटीओ का मतलब होता है 4 तरह की पीटीओ, तो 4 पीटीओ होती है इसमें, एक तो मल्टी स्पीड पीटीओ है, एक रिवर्स पीटीओ है, एक ग्राउंड स्पीड है, एक लाइव पीटीओ, लाइव पीटीओ सभी ट्रैक्टर में आती है। मल्टी स्पीड पीटीओ का मतलब होता है गियरों से पीटीओ शाफ्ट चलाना है, मतलब इसमें गियरों से पीटीओ शाफ्ट चल जाएगी आपकी, मतलब पीटीओ जो पीटीओ RPM है वो आपके इसमें 1000 RPM पे इंजन RPM पे पीटीओ शाफ्ट चल जाएगी आपकी। एडजस्टेबल है, आगे पीछे हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी, और इसका जो प्लेटफॉर्म देख सकते हो भाई, काफी सपाट प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, देख सकते हो, इंडिकेटर काफी अच्छी लुकिंग में है। इसके टायर की बात करें अपन तो 16/9/28 के टायर मिलेंगे आपको, इसमें 35 kg का वेट भी लगा हुआ है यहाँ पर दोनों साइडों पे, 35 kg का, और आगे के टायर की बात करें तो 7/50 के टायर है इसमें, 7/50/16 के जो आगे के टायर मिलेंगे, और पीछे के 16/9/28 के टायर मिलने वाले हैं, और पीछे के हिस्से की बात करते हैं, पीछे हिस्से की बात में काफी हेवी हिस्सा है इसका पीछे का, और ये स्पूल वाल इसकी लिफ्ट कैपेसिटी है 2050
अच्छा, इसकी लिफ्ट कैपेसिटी की बात करूं तो 2050 केजी की इसकी लिफ्ट कैपेसिटी। तो भाइयों देसी भाषा में बोले तो 20 क्विंटल और 50 किलो की लिफ्ट कैपेसिटी मिलने वाली है आपको इसमें। इसमें पीछे लाइटिंग के लिए अलग से ये स्विच भी दे रखा है जी, और ये स्पूल वाल लगा हुआ है, इससे एमबी प्लाउ ट्रॉली इसको चलाया जाता है इससे। अच्छा, कोई सा भी जो एप्लीमेंट है अभी के टाइम पे तो बड़े आसानी से चला सकते हैं, चला सकते हैं। इसमें टूल बॉक्स मिलेगा आपको, ये फाइबर वाला। अच्छा, फाइबर का टूल बॉक्स मिलेगा। और ये पीटू शाफ्ट है, और यहाँ पर जो हुक भी जो एडजस्टेबल हुक मिल जाता है इसमें आपको। और इसकी जो लिंक है वो काफी हैवी दे रहे हैं, काफी हैवी दे सकते हो आप। और यहाँ पर जो इसकी बैग लाइट है इसका, ये बैग इंडिकेटर है इसका, ये इसमें आपने देखा होगा ट्रांसपोर्ट लॉक है ये। अगर आप इम्प्लीमेंट लग रहा है पीछे, आप उसके फाले या कुछ भी चेंज करना चाहते हैं अगर ऊंचा करके उसको, तो अपन इसको यूं लॉक कर देंगे तो ये लिफ्ट नीचे नहीं जाएगी अगर आपने ऊपर कर रखी है तो। इसमें लिफ्ट लॉक वाला जो लिफ्ट लॉक है, मतलब इसमें लिफ्ट लॉक भी हो जाती है ये ट्रांस, ये डिफरेंशियल लॉक है। अगर ट्रैक्टर कहीं अगर फंस भी जाता है तो इसको दबाने से ट्रैक्टर मतलब बड़ी आसानी से निकल जाता है, अगर कहीं फंस भी जाता है तो कीचड़ में। ये डिफरेंशियल लॉक है, ये डीसी पीसी लीवर है इसके, ये मतलब ऑयल ब्रेक है ये। अच्छा, सस्पेंडेड पेडल ऑयल इमर्सेटेड जो ब्रेक आते हैं वो वाले ब्रेक, ऑयल में हुए डिस्क ब्रेक, ऑयल में ड्यूबल ब्रेक है इसके। अच्छा जी, ऑयल में ड्यूबल डिस्क। इधर भी हिटगार लगा हुआ है, काफी अच्छा ग्लास है इसका। तो भाइयों देख सकते हो ट्रैक्टर की लुकिंग, और बहुत ही जबरदस्त ट्रैक्टर है भाई साहब, ये फुली लोडेड ट्रैक्टर। हां, फुली लोडेड ट्रैक्टर है, मतलब जगह जगह हिटगार लगे हुए गर्म हवा आने के लिए। अगर आपको ट्रैक्टर चलाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, मतलब आप कितनी भी गर्मी में ट्रैक्टर चलाओ कोई दिक्कत, गर्म हवा नहीं आएगी। चीज और बता दूं मैं, जैसे आपने कार में की देखी होगी, कार की चाबी देखी होगी आपने लॉक वाली, मतलब तो इसमें भी वही सिस्टम है लॉक वाला। मैं बताऊं आपको, ये लॉक हो गया, ये खुल गया, मतलब अगर ये आपने इसको यहाँ से इस चाबी से लॉक कर दिया तो कोई सी भी चाबी लगा लो आप, ट्रैक्टर स्टार्ट नहीं होगा। अच्छा, ये तो कोई कार वाला सिस्टम, बहुत ही जबरदस्त फीचर है, देखी जाए काफी अच्छा फीचर है। अच्छा, कार के अंदर जो सिस्टम आता है वो वाला सिस्टम दे रखा है ट्रैक्टर के अंदर। तो भाइयों ट्रैक्टर की जो प्राइस है भाई, किसान भाइयों को कितनी प्राइस तक मिलने वाला है तो इसके बारे में जान लेते हैं भैया से। तो भैया किसान भाइयों को कितनी प्राइस तक मिलने वाला है ट्रैक्टर एक अराउंड के साथ? इस ट्रैक्टर की प्राइस है अपने राजस्थान में, मतलब कोटा डिस्ट्रिक्ट में 9.5 से 10 लाख के बीच में समथिंग ये ट्रैक्टर की रेट है। अच्छा, तो 9.5 से 10 के बीच में मिलने वाला है किसान भाइयों। तो यहाँ का जो एड्रेस है और अपना राजस्थान के कोटा डिस्ट्रिक्ट का है जी, कोटा डिस्ट्रिक्ट में डगने रेलवे स्टेशन से आगे चलोगे मतलब पास में जी जी ऑटोमोबाइल जोन में है ये। अगर कोई किसान भाई का जो मेसी ट्रैक्टर को लेके अगर कोई संपर्क करना चाहता है यहाँ पर एजेंसी पर, तो वो इस नंबर पर संपर्क कर सकता है, देख सकते हो आप वीडियो के अंदर 9950208861 इस नंबर पर संपर्क कर सकता है। तो उम्मीद है भाई ये वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक करो, और चैनल पर पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, और अपनी जो राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो मिलते हैं आपसे तब तक नेक्स्ट वीडियो में।